एवरीवन, वेलकम इन अवर इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश की क्लास में करने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश बुक द मैजिक कार्पेट का लेसन नंबर 4, द किंग ही वांटेड टू टच द मून, यानी कि वो राजा जो मून को टच करना चाह रहा था। अब ये स्टोरी जो थी है ये एक किंग के बारे में है। आप सभी ने जैसे कि हमने चैप्टर के नाम में ही देखा, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है हमें एक दूसरे किंग के बारे में, हमें वार्म अप करने के लिए। आपको पता है ये स्टोरी क्या है? ये भी एक किंग की स्टोरी है जिसे कि जो कि क्या जिनके बारे में लिखा है कि वो एक फुलिश किंग था, यानी कि एक मूर्ख राजा था। तो उस मूर्ख राजा को कपड़े पहनने का, नए कपड़े पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो उसने अपने दरबार में दो टेलर्स को बुलाया और कहा कि एक मेरे लिए एक ऐसी ड्रेस बनाओ जिसे सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख सके, ठीक है। अब टेलर्स ने अपना पूरा टाइम लिया और बहुत दिन लेने के बाद वो दो टेलर्स जो है वो दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को कहा ये रहे आपके कपड़े, सिर्फ बुद्धिमान लोग ही इस कपड़े को देख सकते हैं, असल में उनके हाथ में कोई कपड़ा नहीं होता है। तो राजा को लगता है कि शायद इनके हाथ में कोई कपड़ा है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और अगर मैंने कहा कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है तो ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, क्योंकि राजा ने क्या कहा था, एक ऐसा कपड़ा बनाओ जिसे सिर्फ बुद्धिमान लोग देख सके। तो उसको लगता है कि इन टेलर्स के हाथ में कपड़ा है लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे एक्टिंग करता है कि उसने कपड़े पहन लिए और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब सब लोग उसे देखते हैं, उस राजा को, तो जो लोग देखते हैं वो लोग जानबूझ के राजा से बोल नहीं रहे होते हैं कि राजा जो है वो बिना कपड़ों के, क्योंकि वो राजा से डर रहे होते हैं और उनको ये लग रहा होता है अगर हम बोलेंगे कि राजा ने कपड़े नहीं पहने तो वो शायद हमें सज़ा देंगे या फिर हमें बेवकूफ़ समझेंगे। तभी एक छोटा बच्चा बोलता है अरे राजा के कपड़े कहाँ हैं, और फिर राजा जो है वहाँ पर शर्म से पानी पानी हो जाता है और फिर वो वापस अपने पैलेस चला जाता है। तो ये तो वार्म अप करने के लिए एक छोटी सी ऐसे ही हमें स्टोरी दी गई थी। अब यहाँ पर भी जो हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं ये भी एक किंग की ही स्टोरी है, जो कुछ बिल्कुल इस तरह की तो नहीं पर कुछ ऐसे ही हरकत करने जा रहा है जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा द किंग हु वांटेड टू टच द मून। ये स्टोरी उस किंग की है जो मून को टच करना चाह रहा था, ठीक है। यानी कि वो है हमारी अर्थ पे लेकिन वो अर्थ से ही मून को टच करने की कोशिश करने जा रहा था। तो चलिए हम इस स्टोरी को रीड करते हैं और जानते हैं इस स्टोरी में क्या है। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ प्राउड एंड फुलिश किंग। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा रहता था जो बहुत मूर्ख भी था और अपने आप पे उसे बहुत प्राउड भी था, बहुत उसे अपने आप पे घमंड था। ही वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया का सबसे बेस्ट राजा बनने का शौक था। पेसिंग अप एंड डाउन हिज रूम वन नाइट ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एंड सॉ द मून। अब वो चाहता था कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा राजा बनूं, और इसके लिए वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता था। एक रात की बात है, जब वो अपने रूम में पेसिंग अप एंड डाउन, यानी कि अपने रूम में आना, मतलब घूमते हैं ना, जब हमें किसी चीज़ की टेंशन होती है तब हम बार बार अपने रूम में ही चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ऐसे ही वो परेशान होकर अपने रूम में एक रात चक्कर लगा रहा होता है। तभी वो विंडो से, खिड़की से बाहर देखता है तो उसे क्या नज़र आता है, मून, उसे चांद नज़र आता है। ही डिसाइडेड दैट ही वुड बिकम द फर्स्ट मैन टू टच द मून। वो फैसला करता है कि वो बेस्ट राजा बनने के लिए क्या करेगा, वो दुनिया का ऐसा पहला इंसान बनेगा जो धरती पे से मून को टच करेगा। ही समन्ड द रॉयल कारपेंटर एंड सेड, उसने रॉयल कारपेंटर कौन होता है, कारपेंटर होता है जो वुडन लकड़ियों का सामान, लकड़ियों से चीज़ें बनाता है, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो। और समन मतलब होता है तलब करना, यानी कि किसी को अपने दरबार में या अपने पास बुलाना। तो राजा ने कारपेंटर को, जो रॉयल कारपेंटर था यानी कि जो महल की सारी चीज़ें बनाता था लकड़ी की, उसको अपने पास बुलाता है और कहता है आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ रियली टॉल टावर, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक ऊंचा सा टावर बनाओ, इट मस्ट रीच अप इनटू द स्काई, इतना ऊंचा हो कि वो आसमान तक पहुँचे। आई वॉन्ट टू टच द मून, मैं मून को टच करना चाहता हूँ, तो इतना ऊंचा टावर बनाओ जो आसमान तक पहुँचे और मैं उससे मून को टच कर सकूँ। अब चलिए जानते हैं फिर क्या होता है। द स्लीपी कारपेंटर रब्ड हिज आईज एंड आंसर्ड, अब उसे आधी रात में उस कारपेंटर को उठा के लाया जाता है, तो वो कारपेंटर जो है वो बहुत ही नींद में हो रहा होता है, तो वो अपनी आंखें मलता हुआ कहता है इफ़ वी स्टैक अप एवरी वुडन बॉक्स वी हैव वी विल एबल टू बिल्ड अ टॉल एंड स्टर्डी टावर। वो कहता है हाँ,
ऐसा हो सकता है अगर हमारे पास जितने भी लकड़ी के बॉक्सेस हैं उनको स्टैक करें, स्टैक मतलब होता है अच्छी तरह से एक के ऊपर एक करके रखें, तो हम एक ऊंचा और स्टर्डी, स्टर्डी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एक ऊंचा और एक स्ट्रॉन्ग टावर बना सकते हैं। हियरिंग दिस द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर टू ब्रिंग एवरी वुडन बॉक्स दे कुड फाइंड। ये बात सुनने के बाद कि अगर हम लकड़ी के बॉक्सेस को एक के ऊपर एक सही से अरेंज करें तो एक मजबूत टावर बन सकता है ऊंचा, ये बात सुनने के बाद किंग जो है वो अपने सभी सिपाहियों को, अपने सभी सोल्जर्स को ये आदेश देता है कि जाओ जितने भी तुम्हें वुडन बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स मिलते हैं पूरे राज्य में तुम लेकर आओ। पीपल emptied their boxes on the floor and handed them over। अब उस राज्य में जितने भी लोग रहते थे, लोगों के घर में जितने भी लकड़ी के बॉक्सेस थे वो अपने लकड़ी के बॉक्सेस क्या कर रहे थे, emptied यानी कि खाली कर रहे थे और सोल्जर्स को दे रहे थे। When the soldiers arrived with the boxes, the royal carpenter ordered, pile the boxes up one on the top of another। जब soldiers जो है वो सारे boxes लेके आ जाते, जितने boxes उनको मिले वो सारे boxes लेके जब आ जाते तब carpenter order करता है अब इन सारे boxes को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके रखा जाए। Then I will name them in place। तब मैं इनको ध्यान से देखूंगा और एक के ऊपर एक सही से करके देखूंगा कि ये सही से अरेंज हो रहा है या नहीं। That's not high enough, the king complained as he saw the growing pile। अब किंग जो है वो कारपेंटर को बोलता है कि नहीं अभी ये इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि मैं मून को टच कर सकूं। आपको दिख रहा है ना, ये किंग देखता है कि ये तो इतना ऊंचा नहीं हुआ है तो वो कारपेंटर से कहता है कि ये तो इतना ऊंचा नहीं हुआ है, वी नीड मोर बॉक्सेस, हमें और बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। चॉप डाउन एवरी ट्री इन द किंगडम एंड मेक एज मैनी बिग बॉक्सेज एज यू कैन। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि हमारे राज्य में जितने भी ट्रीज है सब ट्रीज को काट दिया जाए और सब ट्रीज की लकड़ियों से बड़े बड़े बॉक्स तैयार किए जाए। द वर्कमैन banged and hammered and did not stop until every tree in the kingdom had been turned into boxes। जितने भी workmen थे, workmen कौन होता है, जो कि काम करने वाले होते हैं, लेबर जो होते हैं उनको वर्कमैन कहा जाता है। तो राज्य के जितने भी वर्कमैन थे, काम करने वाले लोग थे, उन सबको इसी काम पे लगा दिया जाता है कि वो लकड़ियों को, पेड़ों को काटे, ठीक है, कुल्हाड़ी की मदद से। तो उन सबको इसी काम पे लगा दिया गया और वो सारे वर्कमैन तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने किंगडम के हर ट्री को काट के उस और उसकी लकड़ी का बॉक्स नहीं बना दिया। द बॉक्सेज वर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर एंड द टावर ग्रू टॉलर। अब ऐसे ही कर करके बॉक्सेस बनते जा रहे थे और उनको एक के ऊपर एक अरेंज किया जा रहा था और जो टावर था वो लंबा होता जा रहा था। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि क्या वो टावर इतना लंबा बन पाता है कि उस पर खड़ा होकर किंग मून को टच कर पाएगा। तो चलिए इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।